चलिए शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। और मुझे पता है बहुत सारे नए लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं उनके दिमाग में। तो अगर आप बिगिनर्स हो और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं आज आप उनको सारे सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना मैं आपकी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ क्या स्टोरी क्या ये शायद एक रियल थिंग भी है, मेरी लाइफ में हुआ क्या, तो आपको वो बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, थैंक यू सो मच, सुपर चैट यूज किया किसी ने, थैंक यू सो मच चंद्रा एंड बिलिकस हसन। तो हुआ क्या, एक मैरिड कपल था जिसमें एक था, ध्यान से सुनना, तो उससे आपको शेयर मार्केट का अंदाजा होगा कि शेयर मार्केट में एक्चुअल में हमें कैसे, किस एटीट्यूड के साथ काम करना है। तो एक कपल था जिसमें जो हस्बैंड था वो सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ध्यान से सुनना, एक कपल में एक सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो उसको सोचो सारी नॉलेज होती है शेयर मार्केट की। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें अच्छी खासी नॉलेज होती है, उनको सब पता होता है। अच्छा, उस चार्टर्ड अकाउंट की एक वाइफ थी जो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, दोनों का प्रोफेशन अलग अलग, डॉक्टर का कुछ पता नहीं होता, डॉक्टर का कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, किस बात का। पहला सवाल सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग में आता है कि क्या शेयर मार्केट के लिए मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड होना जरूरी है, क्या शेयर मार्केट के लिए मुझे मतलब बही खाता की समझ होनी चाहिए, क्रेडिट डेबिट की समझ होनी चाहिए, क्या मेरा कॉमर्स ही बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या मेरा अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, क्या मेरा अगर आर्ट बैकग्राउंड है, क्या मेरा मैं मतलब पढ़ाई नहीं लिखा हुआ, तो क्या मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं, तो क्या मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूं, तो क्या मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता हूं, क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं, क्या वहां से पैसा कमा सकता हूं, क्या। ये सवाल जनरली सबके दिमाग में होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। और इस ये जितने भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी, एक रियल घटना हुई है, मैं वो सुनाता हूं आपको, और ये रियल है। तो हस्बैंड वाइफ थे, एक का कॉमर्स बैकग्राउंड, हस्बैंड एकदम सीए वीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एक वो डॉक्टर, उसको कुछ नहीं पता। तो एक दिन है ना, जो अपन टेबल में बैठे हुए थे खाना खाने के लिए दोनों, तो ऐसी बहस हो रही थी शेयर मार्केट के बारे में, तुम्हें क्या पता है, मतलब वो शायद कुछ बहस के चक्कर में सीए ने बोल दिया अपनी बीवी को, तो तुम्हें क्या पता है शेयर मार्केट के बारे में, तुम थोड़ी कुछ जानती हो। तो उस बहस में ना डॉक्टर ने चैलेंज दे दिया, कहते हैं चैलेंज क्या दिया सुनना, ठीक है काम करते हैं, तुम बहुत शाणे बन रहे हो ना अपनी नॉलेज के लिए, तुम्हें शेयर मार्केट की तो खूब नॉलेज है ना, तुम तो सारा कुछ जानते हो, अपन एक काम करते हैं, देखो 10,000 रुपया तुम लगाओगे, 10,000 रुपया मैं लगाऊंगी, फेयर इनफ, 10,000 रुपये शेयर मार्केट में अकाउंट खोल के तुम लगाओ, 10,000 रुपये शेयर मार्केट में अकाउंट खोल के मैं लगाऊंगी, ठीक है। अपन एक साल तक वेट करेंगे, देखते हैं किसके पैसे बढ़ते हैं ज्यादा। तो सीए कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शर्त लग रही है, दैट्स फाइन, बोले ठीक है। और शर्त में क्या था कि फाइनली अगर कोई हारा या जीता उसके लिए उन्होंने अपना कुछ पर्सनल प्राइज रख लिया, वो मुझसे मत पूछना कि क्या है, हस्बैंड वाइफ में जो पर्सनल प्राइज रख लिया कि भैया ऐसा है कोई हारेगा जीतेगा तो ऐसा ऐसा नाम देना है, वो अपन उसमें नहीं जाएंगे, फाइनल रिजल्ट में चलते हैं अपन। तो हुआ क्या, सीए ने भी, उसका सीए का तो डीमैट अकाउंट पहले से ही था, उसने डीमैट अकाउंट में 10,000 रुपये धीरे धीरे इन्वेस्ट किए, और कैसे किए, सीए ने लगाई अपनी पूरी की पूरी नॉलेज, लगाई नॉलेज एकदम, मेरे को तो सब पता है, अच्छी अच्छी कंपनी पहले देखी, उसकी उसकी यू नो प्रॉफिट लॉस की चार्ट शीट वगैरह देख रहा है, क्योंकि बहुत समझदार था उसने, उसको सब पता था कि शेयर मार्केट में शेयर कैसे खरीदते हैं, उसने पूरी समझ लगाई एकदम, दिमाग लगा के टॉप कंपनीज, ओके इनका प्रॉफिट ये है, इनका लॉस ये है, ओके ये कंपनी काम की ये कंपनी नहीं है, हटा दो, ऐसे करके उसने 10,000 रुपया गिनी चुनी कंपनीज में लगाया। सीए था भाई, पढ़ा लिखा था, उसको सब पता था। दूसरी तरफ पता कौन है, दूसरी तरफ एक डॉक्टर, एक लेडी जिसको कॉमर्स से लेना देना नहीं, जिसको शेयर मार्केट से लेना देना नहीं, जिसको यह भी नहीं पता कि शेयर मार्केट होता क्या, क्या है और क्या नहीं है। उस बंदी ने क्या किया, डीमेट अकाउंट खुलवाया, ठीक है, और खुलवा, बहुत सिंपल होता है डीमेट अकाउंट खुलवाना, दैट्स वेरी इजी, 5-10 मिनट लगते हैं आपको, आपको फिर 4 दिन के अंदर वो खुल जाता है, 10 मिनट आपका प्रोसेस है, 4 दिन कंपनी लेती है मैक्सिमम, वो खोल देती है। डीमेट अकाउंट खुलवा लिया, डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद उस बंदी ने क्या किया पता है, उसको पता नहीं प्रॉफिट लॉस क्या है, सिंपल, उसने क्या किया, अच्छा मेरे को किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, ओके मैं डॉक्टर हूं, तो मैं डॉक्टर हूं, ज्यादातर मैं किस कंपनी की दवाइयां खरीदती हूं। उसने क्या किया, प्रैक्टिकलिटी देखी, उसने कोई शीट में नहीं, प्रॉफिट शीट लॉस शीट कुछ नहीं देखा, हट, उसने कहा भैया मैं डॉक्टर हूं, मेरे टेबल पे देखो मैं क्या चीज यूज करती हूं, अच्छा मैं ये दवाई ज्यादातर मैं बोलती हूं जब भी किसी को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, किसी को 10 लग जाते हैं तो मैं इस कंपनी की दवा देती हूं, ठीक है, मैं उस कंपनी के शेयर खरीद लिया। मैडम ने क्या किया, जिस कंपनी की उसे दवा बार बार दिखती थी उस कंपनी के शेयर खरीदे, कितने के, 2,000 रुपए के। फिर उसने क्या किया,
अच्छा वो डॉक्टर थी, ठीक है, तो वो क्या करती थी कि उसने देखा कि अच्छा अगर कोई किसी के दांत में प्रॉब्लम है या किसी चीज में प्रॉब्लम है तो मैं उसे कौन सा टूथपेस्ट यूज करने को बोलती हूँ या कौन सा ब्रश यूज करने को बोलती हूँ। अच्छा ठीक है ओके, मैं ज्यादातर इस पर ट्रस्ट करती हूँ। ओके, उसने उसके शेयर खरीद लिए। तो उसने क्या किया, आसपास की अपनी चीजों को देखा कि वो किस पे ट्रस्ट करती है, आसपास की चीजों को देखा कि वो किस पे ट्रस्ट करती है, वो क्या रेकमेंड करती है, उसने वही कंपनीज के शेयर खरीदे। अब आओ रिजल्ट पर। तो सीए साहब ने क्या किया, पूरी नॉलेज लगाई एकदम बल्ले बल्ले वाली, जो कि हम जैसे लोगों में नहीं होती। डॉक्टर साहिबा ने क्या किया, उसने लगाया अपना दिमाग, आसपास देखा मैं क्या चीज यूज करती हूं क्या नहीं, अच्छा ओके गुड गुड गुड, ऐसे करके शेयर खरीद लिए। एक साल बाद डॉक्टर साहब के 10,000 रुपए कितने हुए, डॉक्टर साहब के 10,000 रुपए हुए 18,000। कितने का प्रॉफिट, 8,000 का, ठीक है ध्यान से सुनना, डॉक्टर साहब के 10,000 हुए 18,000, सॉरी डॉक्टर साहब नहीं, सीए साहब, सीए साहब जो कि हस्बैंड साहब थे, जो मर्द अपने आप को ऐसे प्राउडली बोला था मेरे को सारी नॉलेज है, मैं शेयर मार्केट में सब आता है, उस बंदे ने जो शेयर खरीदे थे तो उसके 10,000 टोटल कितने कन्वर्ट हुए, 18,000 में। अब डॉक्टर साहिबा पर आते हैं, डॉक्टर साहिबा ने किस चीज पर ट्रस्ट किया, अच्छा मेरे सामने ये पड़ा है, मैं इसका दवाई देती हूं, मैं ये टूथपेस्ट खरीदती हूं। डॉक्टर साहिबा के 10,000 रुपए टोटल कन्वर्ट हुए कितने में मालूम है, 35,000 रुपए में। मतलब क्या हुआ इससे, देखो यहां पर है ना, ये भूल जाओ कि हमें बहुत तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए तभी वो पैसा कमा सकता है। यार गुरु ज्ञानी पंडित बैठे जिनको शेयर मार्केट में ना कॉमर्स की एबीसीडी सब आती है, लेकिन वो फिर भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा